बाय बाय परी, परी बाय करो बेटा, बाय, ऐसे करो ना बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल तो अभी जा रहे हैं हम लोग ई मित्र की दुकान पे मम्मी का टिकट प्रिंट कराने के लिए। 8:30 बज गए, 11 बजे मम्मी की ट्रेन है, यानी 10:30 बजे या फिर 10:15 बजे घर से निकलेंगे। स्टेशन तो पास में, दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल जाके टिकट लेके आते हैं, उसके बाद का पैकिंग वगैरह देखेंगे हो गया कि नहीं हो गया। परी तो नहा धोके तैयार होगी, पाउडर भी लगा लिया इसने, और यहाँ देखो सब कुछ तैयार हो रहा, गाड़ी वगैरह सब तैयार हो रहा है इनके लिए, क्योंकि इनमें जाएंगे ना बैठ के, उसमें नहीं जाएंगे, इस पे और इस पे जाएंगे बैठ के, वो तो हमारे निकलती नहीं है। टिकट प्रिंट हो गया, उधर से दूर रखना, साइलेंसर गर्म होगा, साइलेंसर पकड़ लेगी। देखो खुद ही यहाँ पे मैडम बन रही है, इसको उठा गोद में, गंदी जाएगी, पूरी नहा के आई है। आज खाएंगे पूरी सब्जी, पूरी तो कम, गोलगप्पे ज्यादा लग रहे हैं, मिर्ची है, साथ में अचार भी देते, मजा आ जाएगा। फैन ऑन करते फोन, गर्मी लग रही बहुत तेज वाली। टाइम आ गया इन लोगों के भी जाने का, देखो 1, 2, 3 और एक मम्मी अंदर है, 4 लोग जा रहे हैं, और स्टेशन पे छोड़ने के लिए 1, 2 और हम 3 लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए। वैसे तो मुझे जाना था बिहार, मगर मैं नहीं जा रहा, मैंने थोड़ा प्लान छोड़ दिया, बिकॉज मेरा क्या डेली ब्लॉग होता है, तो यार बिहार जाने 2 दिन लगता है, आने में 2 दिन लगता है, डेली ब्लॉग छूट जाता है, इसलिए मम्मी जा रही है। और फिलहाल देखो सब तैयारी हो गई है, गाड़ी वगैरह सब निकल गई, सीट भी गर्म हो गया होगा धूप में जब से खड़ी गाड़ी, बहुत भयंकर वाला सीट गर्म हो गया। और आज गर्मी इतनी ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं है, मैं कोई भी क्रीम लगा के नहीं आया, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लगा के आया, और देखो पसीना कितना भयंकर, पाउडर तो घर में उतर गया था पसीने से। 2-3 लोग इस पे बैठ जा, मैं पवन मम्मी इस पे बैठ जाएंगे। ट्रेन आ गई है बिल्कुल ऑन टाइम पे, स्टेशन पहुंचे अभी जस्ट 1 मिनट पहले पहुंचे, और देखो ट्रेन हमारे पीछे आके लग गई है। वैसे आधा घंटा रुकेगा ट्रेन, तो आराम से इसको विदा करेंगे परी को। अब परी जा रही है, वो लम्हा भी आ गया, एक कोल्ड ड्रिंक लिया है बच्चों के लिए, ये खुले पैसे देते दीदी को, काम आ जाएंगे ट्रेन पे। ठंडा पानी मत भा बेटा, यही ठंडा पानी ट्रेन पे, ठंडा पानी नहीं मिलेगा फिर खरीदना पड़ेगा, खरीदना ठंडा पानी। गाइस बहुत दिनों तक आपको हमारे ब्लॉग में हमारा पूरा परिवार दिखता रहा था, अब थोड़े दिनों के लिए सन्नाटा छा जाएगा। हाँ लेकिन अब थोड़े दिनों ट्रिप करेंगे हम लोग, और बिहार जाएंगे ट्रिप में बाइक लेके, ऐसा सोच रहे, प्लान कर रहे, बाकी आगे का पता नहीं, फिलहाल तो इसको अलविदा करते हैं। हमारा वाला कोच देखो यहीं पे आके लग गया, S9, तो सीट नंबर है 10-11, ये रहा सीट पंकज, यहाँ पे ये इस गेट से घुसते डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। दीदी लोगों को तो अंदर बिठा दिया, देखो मम्मी और दीदी अंदर बैठ गई है, मैं परी को लेके बाहर आ गया हूँ, क्योंकि ट्रेन को खुलने में भी आधा घंटा है। और देखो गाइस यहाँ पे ना धूप आ रही है, यहाँ से यहाँ छाया और यहाँ पे धूप है। बाय बाय परी, परी बाय करो बेटा, बाय, ऐसे करो ना बाय, सब कुछ भूल गई मामा को, इसको इसके सीट तक छोड़ के आते हैं अंदर तक। ये देखो हमारी सीट है यहाँ पे, और ये परी को यहाँ बिठा दिया है, परी बाय है ना बेटा, चलते हैं। इसका ध्यान रखना, सीट पे से जाने मत देना, इधर उधर पहले बोलता हूँ, और इस बंदर का भी ध्यान रखना, कैसे कर रखा, इसको नीचे कर, क्या और तेरे को पेट में दर्द हो रहा है क्या? परी मामा के साथ चलेगा बेटा घर पे, घर पे चलेगा, कोई मतलब ही नहीं है, मम्मी से मतलब है बस इसको, मामा मामा सब मोह माया थे। ट्रेन में बैठते इसकी अटखेलियां चालू हो गई है, मगर दुख की बात ये है हमारे पास ये वाला सीट नहीं है, ये वाला है और अपर वाला है, विंडो सीट नहीं दिया, रेल वालों शिकायत करेंगे, इतनी सारी लेडीज जा रही है, एक विंडो सीट अलॉट करना चाहता कम से कम। जल्दी जल्दी फाड़ यार, ट्रेन खुलने वाली, टाइम हो गया, सिग्नल दे दिया ट्रेन ने, मैं देख के आता हूँ, तू पैसे कटवा ठीक है, अपना सीट कहाँ है? पवन ट्रेन खुल गई है, आजा ले परी को, ले पकड़ दीदी, चलो बाय परी, बाय बेटा, बाय करो ना, अरे बाय तो करो, बाय करो, बाय बाय, जल्दी बाय करो, बाय। धूप इतनी तगड़ी वाली हो रही है, देखो यहाँ यहाँ चलना पड़ रहा है, एकदम छाया में, थोड़ा सा छाया है ना यहाँ पे चल रहे हैं। ट्रेन चली गई है, ट्रेन को गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, जिस दिन फोन किया कि परी तेरे लिए रो रही है, मामू मामू कर रही है, अब क्या कर सकते हैं, एक दो दिन बाद भूल जाएगी वो, ऐसा तो अभी याद रहेगा लेकिन फिर भूल जाएगी। आज नहाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हमारे नए वाले घर में, बिकॉज क्या है ना कि वहाँ पे सब कुछ सफाई हो गई है, और यहाँ पे भी कल हमने पूरा टैंक भर दिया, तो यहाँ नहाने का मजा लेते खुले में एकदम। अभी ना गाइस पिछले 3 घंटे से लाइट गई हुई है और गर्मी से हालत खराब है, आज घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है ना दीदी है, तो कोई बोलने वाला नहीं है, आज खेलेंगे क्रिकेट वो भी इत्मीनान से, और घर पे कोई नहीं, तो सच बता रहा हूँ सुबह से बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, सब गए। परी की सबसे ज्यादा याद किसको आ रही है? मुझे भी आ रही है, परी की कौन सी याद आ रही है ज्यादातर? फिर जाएगी। आज बहुत ज्यादा गर्मी है और उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक बारिश आ जाएगी, अगर आज बारिश नहीं आई ना भाई तो कल तो भाई हालत बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि गर्मी मत पूछो कितनी भयंकर है, और ऐसी गर्मी हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना क्रिकेट वाला गेम। ये वाला बल्ला तो टूटा हुआ, नया वाला बल्ला किधर रखा हुआ? गेट खोल दे पूरा, बाथरूम में बल्ला रखा हुआ था, बाथरूम से निकाल कर गया, सामने वाला गेट खुला हुआ, छोटी बोल सामने वाला गेट लगा दीजिए। बॉलिंग करने से पहले यहाँ देख लो चीजें कितनी बेकार पड़ी हुई है, इसको हटा पहले, इसको खड़ा कर, वरना पैर में लग गई तो लेने के दिन पड़ जाएंगे। बॉल मुझे दे दो, तू जाके पट्टी हटा, देखो जो काम बुला वो कर, पहले तो देख गर्म होगा, गर्म नहीं है तो इसको उठा ले, उठा ही देते, अब इस पट्टी को उठा के ना वहाँ पे रख सकता कोने में, अगर रख सकता तो ही उठाना आराम से।
उस कोने में खड़ा करके रख, खड़ा करके थोड़ा अंदर डाल रखना यार, गिर जाए किसी का पेट टूट जाएगा। स्टार्ट हो जाओ भाई गेम खेलने के लिए। आज देखो गाइस घर में कितना सन्नाटा, मैं नीचे मेरे रूम में ब्लॉग कर रहा हूँ और यहाँ पे भी कुछ ही आवाज नहीं है, ना बच्चे की ना बर्तन की ना कुछ की आवाज नहीं आ रही है। और सच में ये सन्नाटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 7:35 हो गया, ऐसे किया तो टाइम बंद हो गया, ऐसे करता हूँ टाइम चालू जाता है। देखो 7:35 हो गया, तो फिलहाल अभी है ना घर में बैठे हुए सब बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं। मैंने क्या इनको आके डिस्टर्ब कर दिया, पूरी लाइट ऑन कर दी ना। देखो गर्मी के साथ साथ आज लाइट भी बहुत जा रही है, अभी लाइट गई हुई है और उसके बावजूद मैंने इतनी सारी लाइट जला रखी है, वो सब इन्वर्टर पे चल रहा है, तो इन सबको थोड़ा बचा रखते हैं लाइट को। तो केक काम कर सब कुछ बंद कर दे। डिनर हो गया है, सारे काम हो गया, छत पे डिनर कर लिया आज और ऊपर ब्लॉग बनाता मगर ऊपर लाइट नहीं ना, तो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम के चक्कर में ब्लॉग नहीं बना पाया खाना खाने का आज। तो फिलहाल तो क्या करते हैं ना गाइस कि नींद आ रही है और सोते हैं। 10:12 हो गया सुबह से, शायद 7 से 8 बार लाइट जा चुकी है, अभी भी लाइट गई हुई है। इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, इन्वर्टर के ऊपर कूलर नहीं चलता, सिर्फ पंखा चलता है। तो अभी वापस जाएंगे छत पर सोने के लिए, अगर थोड़ी देर तक वो लाइट करके रखेगा ना तो छत पर चल जाएंगे, क्योंकि नीचे से छत छत पर ही है, छत पर कम से कम उतनी गर्मी तो नहीं लगती ना। गाइस दुआ करो कि हमारे यहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि अगर एक दो दिन बारिश नहीं हुई तो भाई मौत है एक तरह से, ये समझ लो। इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं, इतनी गर्मी लग रही है। तो फिलहाल तो क्या करते हैं कि सोते हैं, कोशिश करते हैं सोने की नींद आए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, दुआ करना बारिश के लिए। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।